पिछले हफ्ते 3 के 3 दिन दोस्तों जैकपॉट होने के बाद आज के दिन वही उम्मीद रहेगा कि वही रिकॉर्ड अगेन क्रिएट हो जाए, और आज के दिन ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। अगर आपने अभी तक मेरे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं, ज्वाइन टेलीग्राम बोल के लिखा हूं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूं, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि आज के दिन अगर आप देखोगे मार्केट खुला, मेरा जो बाइंग का लेवल था 10:05 पे आता है बैंक निफ्टी के लिए 45,417। अगर ये के ऊपर 2-5 मिनट का ग्रीन कैंडल क्लोज करता है तो हमें कॉल खरीदना है बोल के। उसके बाद क्या है मेरे भाई, होने से पहले बता रहा हूं, देखिए जो भी है दोस्तों लाइव मार्केट में है और प्रॉपर जैसे ही बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया बूम, मैं ये नहीं बोल रहा हूं अरे 100 पॉइंट पकड़ो, मैं बोल रहा हूं दोस्तों फ्री में बैंक निफ्टी में 50 पॉइंट इतना क्लियरिटी के साथ अगर लाइव मार्केट में मिल रहा है ना, क्या बुराई है, है क्या बुराई, आपको ही पता है 2 लॉट पे यार 1500 यूं ही बन जाता है। तो जाके फ्री वाले ग्रुप जुड़ जाइए, बस लेवल को आपको फॉलो करना है। प्रॉपर होने से पहले मैंने बता दिया, प्लीज जाके टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूं, कमेंट में भी पिन किया हूं दोस्तों, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। बहन जो मेरा कॉल टीप चैनल है वहां पे भी 45,600 का कॉल दिया था, 450 से 528 वो हाई मारा और लोगों ने प्रॉफिट भी किए हैं। लिटरली कोई भी स्क्रीनशॉट उठा के देख लेंगे 45,600 कॉल, ये देखिए 600 कॉल 45,600 कॉल, कुछ भी उठा देखिए ये देखिए बोल रहे हैं कि भाई मेरा पहला प्रॉफिट है बोल के। तो जाके फ्री वाले ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। कल के दिन है फिर निफ्टी का एक्सपायरी, पागलपन चालू होने वाला है। बजट डे के लिए एक मैं न्यू वीडियो लेके आ रहा हूं, कल के दिन आ रहा हूं दोस्तों, मजा आएगा वो स्ट्रेटेजी। बट अब कल से पागलपन चालू होने वाला है, ये वीडियो फिन निफ्टी के नाम मेरे भाई, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ फिन निफ्टी का प्रॉपर एक्सपायरी एनालिसिस हम करने वाले हैं। जीरो टू हीरो ऑप्शन चेन पे हम कहीं ना कहीं डिसाइड करेंगे कि जीरो टू हीरो कौन से लेवल के ऊपर हमें लेना है। और आप बोलोगे भाई फिर सेकंड वीडियो कहां गया यार, निफ्टी बैंक निफ्टी का आपका कहां गया, डोंट वरी अबाउट इट दोस्तों, अभी मैं 1 घंटे के बाद वो वीडियो डाल दूंगा। इसीलिए मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं हम्बली, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डेली 2 वीडियो डालता हूं, 6 बजे सेकंड वीडियो आ जाएगा, बैंक निफ्टी निफ्टी का एनालिसिस रहेगा। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ निफ्टी एक्सपायरी के नाम। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और अगर अपना कोई भी आपका कोई भी अगर पोजीशन होल्ड हुआ है ना, कॉल पुट एवरीथिंग, प्लीज दोस्तों आप कमेंट करके बता दीजिए, अभी के अभी कमेंट कीजिए। हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं सुबह हमेशा 8:45 8:50 के आसपास दे ही देता हूं, वो सबको पता है, जिनको पता है दोस्तों, जो लोग कमेंट करते हैं रिप्लाई मिल ही जाता है। तो प्लीज कमेंट कीजिए और सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, और मैं एक ही रिक्वेस्ट, सबसे बड़ा रिक्वेस्ट, जाके फ्री वाले ग्रुप पे अभी कभी ज्वाइन हो जाइए। कल के दिन का पहला प्लान हमारा रहना चाहिए दोस्तों, ध्यान से समझिए इस बात को, ठीक है। चलिए सेल से हम चालू करते हैं, ठीक है। अगर आपको कल सेल ही करना है तो कल के दिन पहला कंडीशन, मार्केट लिटिल गैप डाउन खुलना चाहिए। जब जब मार्केट गैप डाउन खुलता है दोस्तों, नेगेटिव सेंटीमेंट में मार्केट ओपन हुआ है बोल के थोड़ा सा कहीं ना कहीं साइन मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं मार्केट साइडवेज होना चाहिए, गैप डाउन खुल के साइडवेज होके आधे घंटा 1 घंटे के बाद कभी भी 20,255 फिन निफ्टी में 20,255 ये लेवल अगर ब्रेक डाउन कर देता है दोस्तों, तभी जाके इसके नीचे हमें पुट ऑप्शन को बाय करना है। इसके पीछे सिंपल सी रीजन है, अगर आप देखोगे लाइक उस दिन मार्केट कहीं ना कहीं, यानी कि ये मैं बात कर रहा हूं गुरुवार के दिन दोस्तों, लास्ट जो मार्केट बंद हुआ था यहां पे क्लोज दिया था, ठीक है। आज के दिन अगर आप देखोगे दोस्तों मीडियम गैप अप खुला, गैप अप खुल के कहीं ना कहीं यहां पे अगर आप देखोगे सपोर्ट लिया और मार्केट फिर ऊपर चला गया। तो सिंपल बात है, अगर मार्केट गैप डाउन खुल के कल के दिन साइडवेज होना चाहिए, कोई भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होने से पहले मार्केट साइडवेज होना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो मार्केट अगर दोस्तों साइडवेज होके उसके बाद अगर ना 20,255 अगर ब्रेकडाउन कर देता है तो मजा आ जाएगा दोस्तों, उसके नीचे कहीं ना कहीं स्पेस भी है नीचे आने के लिए। और अगर आप देखोगे ये जो स्पेस है, ये जो गैप है, ये इजीली फील हो जाएगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया आपको, प्लान नंबर 1 माइंड में क्लियर है, सेल कौन से लेवल के नीचे करना है, कौन से कंडीशन में। बाइंग की बात करता हूं, ये थोड़ा सा ध्यान से समझिए। पहले तो अगर आपको बाइंग करना है दोस्तों, तो कल के दिन मार्केट को बस आपको फ्लैट या फिर गैप डाउन, लिटिल गैप डाउन फ्लैट यहां पे खुलना चाहिए इस एरिया में, ठीक है। उसके बाद अगर साइडवेज रहा और 20,465 अगर ये ब्रेकआउट कर देता है ना, देन डेफिनेटली दोस्तों हमें कॉल खरीदते जाना है। लेकिन 20,557 अगर ब्रेकआउट कर देता है तो अलग ही फ्लो में चलने लगेगा और शॉर्ट्स कवरिंग रैली भी आएगा और बहुत अच्छा खासा अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। आप बोलोगे दो लेवल आपने दिया, पहले तो आपने बता दिया 20,465, फिर आप बोल रहे हैं 20,557 के ऊपर बाय करना है। रुकिए मैं समझा देता हूं, देखिए 20,465 का लेवल अगर आप देखोगे आज का डे का हाई है, करेक्ट, आपने क्लियरली देखा
यहां से भाई मार्केट ने रिजेक्शन लिया, साइडवेज हुआ पूरा दिन और आखिर में आके इसी हाई के आसपास क्लोज दिया है। तो यहां पे क्लियरली पता चलता है कि ये एक रेजिस्टेंस है भाई। कल के दिन अगर फ्लैट खुला उसके बाद ब्रेकआउट किया तो हम कॉल बाय करेंगे, ये तो प्लान बी पे आता है। लेकिन थोड़ा सा अलग अगर हम सोचें, कल के दिन अगर मीडियम भी गैप अप खुलता है, साइडवेज होता है या फिर थोड़ा सही और ज्यादा गैप अप खुल के 20,557 भी अगर ब्रेकआउट करता है ना, तब भी हमारा व्यू बाइंग के साइड ही रहेगा। अब मैं आपको रियल रीजन बताता हूं, आप समझोगे कि भाई 20,465 का जो लेवल है, जो कि आज का रेजिस्टेंस है, उससे ज्यादा इंपोर्टेंस आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि आप 20,557 का लेवल क्यों बार बार बोल रहे हो। देखिए दोस्तों, पहला रीजन है ट्रेंड लाइन। अगर आप देखोगे एक तगड़ा ट्रेंड लाइन आ रहा है, यहां पे आप ध्यान से देखिए, एक बार दोस्तों इसी ट्रेंड लाइन को टच किया मार्केट कंटिन्यूसली गिर गया, दूसरी बार भी अगर आप देखोगे इसी ट्रेंड लाइन को टच किया मार्केट बहुत अच्छी तरीके से गिर गया। तो ये हो गया एक बार और ये हो गया दो बार, ठीक है। तो कल के दिन क्या होगा, अगर मार्केट गैप अप अगर आप खुला और ये ट्रेंड लाइन जो आ रहा है, आप समझ रहे हैं दोस्तों, ये जो ब्लैक कलर का मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखा हूं, इसको अगर हम थोड़ा सा डीप कर ले तो और भी आपको समझने में इजी होगा, रेड कलर कर लेते हैं, हाँ अब तो आपको क्लियरली दिख रहा है। तो ये ट्रेंड लाइन जब टूटेगा तो जाके मजा आएगा दोस्तों, तब जाके आपको अच्छा खासा अपसाइड का मूव देखने को मिलेगा। दूसरी बात क्या है कि 20,557 अगर आप देखोगे ये क्लोजिंग प्राइस है, ये एक सपोर्ट था, ये सपोर्ट टूटा जब इतना बड़ा पैनिक सेलिंग आया, तो अब तगड़ा रेजिस्टेंस है, यानी कि एक तगड़ा ट्रेंड लाइन प्लस तगड़ा रेजिस्टेंस लाइन में कहना चाहूंगा, हॉरिजॉन्टल लेवल अगर टूटेगा ना तब जाके दोस्तों मजा आएगा। क्लियर हो गया 20,557 के ऊपर मैं क्यों इतना स्ट्रेस दे रहा था, प्लान ए और प्लान बी पूरे के पूरे क्लियर हैं। अब चले जाते हैं प्लान सी पे। वो प्लान सी है दोस्तों, अगर अगर कल के दिन मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुला 20,765, 20,700, 20,600 इस एरिया में अगर गैप अप खुलता है कल के दिन मार्केट, तब दोस्तों हमें कहीं ना कहीं सेल के बारे में सोचना है। एम पैटर्न देखते ही हमें सेल करना है। लोअर लो अगर कहीं भी दिख गया दोस्तों इस टाइप का पैटर्न कि भाई मार्केट खुला नीचे आया फिर अगर सपोर्ट को तोड़ रहा है तब भी सेल करना है, यानी कि ओवरऑल अगर मैं कहूं तो कल के दिन अगर इसी लेवल के आसपास खुल गया तो हमें सेल के साइड ही सोचना है। पहला रीजन, और जो एक बेसिक और सिंपल रीजन होता है जो हर एक वीडियो में बोलता हूं, जो भी लोग यहां पे कॉल बाय करके गए हैं, सिंपली अगर कल के दिन गैप अप खुल रहा है, ऊपर से फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है और उसी इसी इंडेक्स में अगर कोई भी कॉल बाय करके गया है, वो नहीं होल्ड करेगा मेरे भाई। उसको बहुत अच्छे से पता है कि वोलेटिलिटी इट्स ऑन पीक, बजट डे आ रहा है, अलग पागलपना चल रहा है, और उधर आप खुद सोचो अपने आपको, यहां पे आप कॉल होल्ड करके बैठे हो वे रात सोच सोच के, कल सुबह अगर गैप अप खुल रहा है, सच में आपको जेन्युइन आंसर चाहिए, सच में आपको लगता है आप होल्ड करोगे? नहीं करोगे ना भाई। आप बोलोगे भाई जितना प्रॉफिट मिलना है एग्जिट कर लेता हूं, बाद में देखूंगा ना, जो भी ट्रेड लेना है मैं इंट्राडे पे करूंगा बोल के, करेक्ट? ठीक वैसे ही दोस्तों, जो भी लोग यहाँ पे कॉल बाय करके गए हैं, ऑब्वियस सी बात है 90% लोग अपने प्रॉफिट बुक करते हैं, तो बाय पोजीशन एग्जिट होगा तो सेल में कन्वर्ट होगा। दूसरा मेन रीजन क्या है कि जो भी लोग यहाँ पे कॉल बाय करके गए हैं, यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों एक तगड़ा रेजिस्टेंस एरिया है, ये पॉइंट को आप नोटिस कीजिए। जिस दिन मार्केट गैप अप खुला, गिरता है क्या, उस दिन मुझे अभी भी याद है वो लेवल दिया था, क्लियरली मैं लेवल दिया था इसके नीचे सेल करने के, लाइव मार्केट में फ्री वाले ग्रुप पे। तो यहाँ पे रेड कैंडल, तो या मतलब पूरा ये रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पे अगर मार्केट खुल रहा है तो पहले से यहाँ पे ऑलरेडी सेलर बैठे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है दोस्तों मार्केट गैप अप खुलेगा तो ऐसे ही सेलर तोड़ के भाग जाएगा क्या? नहीं, ये कभी टेस्ट ही नहीं हुआ ये रेजिस्टेंस, ये एक न्यू रेजिस्टेंस है। तो कल अगर मार्केट खुला, यहां से एम पैटर्न बना, यहां से लोअर लो दिखा, सिंपली हम सेल करेंगे, हमें मार्केट डाउनसाइड जाता हुआ दिखने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं 90% हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों? और बाय चांस अगर कल के दिन गैप डाउन खुल गया ये लेवल पे, इस वाले लेवल पे, तो हम बाइंग के बारे में सोचेंगे, क्योंकि अगर आप देखोगे यहां से सपोर्ट लेके यहां पे डबल बॉटम बना के मार्केट ऊपर गया है, यहां पे क्लोजिंग प्राइस पे सपोर्ट है, तो मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो डब्लू पैटर्न बनते हैं, ऊपर उठ जाएगा या फिर हायर हाई बनते हैं, हम कॉल बाय करेंगे। क्लियर हो गया दोस्तों? अब चले जाएंगे ऑप्शन चेन पे। 20,436 पे क्लोज दिया है दोस्तों फिन निफ्टी, ठीक है, अब आ चुके हैं फिन निफ्टी का ऑप्शन चेन पे, ये कॉल राइटर, ये पुट राइटर, और 20,400 के आसपास क्लोज दिया है दोस्तों हमारा फिन निफ्टी। तो 20,450 से ही असली जो रैली है वो चालू हो चुका है। 20,450 पे देखोगे 1,065,000 से ज्यादा कॉल राइटर बैठे। अब बोलोगे यार मजा नहीं आया, जो अब नंबर दिखाऊंगा ना पागलपन आप बोलोगे, वो है 20,500 पे अगर आप देखोगे 19,48,440 से ज्यादा कॉल राइटर है मेरे भाई।
20,500 पे 19 लाख से ज्यादा कॉल राइटर व्यू पूरा का पूरा क्लियर कि 20,500 के अगर ऊपर जाएगा ना, अगर सस्टेन करेगा कल के दिन, डेफिनेटली शॉर्ट्स कवरिंग रेलिया में देखने को मिलेगा और मार्केट आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। क्योंकि उसके ऊपर अगर आप देखोगे 10 लाख 15 लाख 8 लाख कॉल राइटर है, तो 20,500 को लेवल को आप नोट करके रख लीजिए, क्योंकि वहां पे 19,48,000 से ज्यादा कॉल राइटर हैं, उसके ऊपर या तो डेफिनेटली हम कॉल खरीदेंगे। नीचे की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो 20,400 पे एक प्रॉपर पुट राइटिंग दिखाई दे रहा है 15 लाख, बट 20,300 का लेवल देखोगे ना, और थोड़ा सा ज्यादा कहीं ना कहीं पुट राइटिंग का जो कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं डोमिनेट वो कर रहे हैं, क्योंकि 17 लाख से ज्यादा पुट राइटर 20,300 के लेवल पे हैं। सीधी सिंपल सी बात है, रेजिस्टेंस बन गया 20,500, सपोर्ट बन गया 20,300, क्योंकि वहां पे 17 लाख से ज्यादा पुट राइटर हैं, 20,300 अगर टूटेगा तब जाके हमें डाउनफॉल देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया दोस्तों पूरे के पूरे? वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके फ्री वाले ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए। अगला वीडियो 6 बजे में लेके आ रहा हूं दोस्तों, उसके लिए प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अपने मम्मी पापा को हमेशा प्यार दीजिए, हमेशा उनका ख्याल कीजिए, ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं 1 घंटे बाद, टेक केयर, बाय एंड सी।